चलिए अब रुक करते हैं गोवा का, जहां से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि गोवा के अंदर जबरदस्त बेरोजगारी है, कोरोना की वजह से पर्यटन के क्षेत्र को नुकसान हुआ है, अगर उनकी सरकार बनती है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कर रही है कांग्रेस, बड़ी करप्शन कर रही है। अगर कांग्रेस करप्शन कर रही है तो बीजेपी वालों ने 10 साल में किसी को जेल क्यों नहीं भेजा? दोनों मिले हुए हैं, मिल बांट के मलाई खाते हैं, मिल बांट के 5 साल तुम चलाओ, 5 साल फिर हम चलाएंगे, फिर 5 साल तुम चलाओ, 5 साल हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, तुम हमारे खिलाफ एक्शन मत लेना। बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी प्रमोद सावंत जी ने कहा कि सरकार हमारी बनेगी, ऑपोजिशन कांग्रेस की होगी। दोनों ने बैठ के डिसाइड कर लिया कि हम सरकार बनाएंगे, तुम ऑपोजिशन, तुम्हारे ज़्यादा भी आ जाएं तो हमारे पास भेज देना, सरकार हम बनाएंगे, ऑपोजिशन तुम। इतना प्यार मोहब्बत दोनों के अंदर कभी नहीं देखा। तो आप जो पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा, आम आदमी पार्टी गोवा को पहली बार एक ईमानदार सरकार देगी, जैसे दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार दी। और मेरी सारी अखबार वालों से है कि कल की हेडिंग लगा देना कि केजरीवाल ने कहा कि पहली बार गोवा को एक ईमानदार सरकार देंगे। ये नई बात है, गोवा की राजनीति में नई बात है। आज तक भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट, भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था। पहली बार ईमानदार सरकार देंगे और पैसे की कमी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। रोजगार भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे, और आज मैं एक और ऐलान कर रहा हूँ वो भी करेंगे, और अभी आने वाले 2 महीने में मैं कई सारे ऐलान करूँगा वो भी करेंगे, सारा करेंगे, सारी गारंटी पूरी करेंगे। तो आज मैं एक और गारंटी गोवा के अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को देने के लिए आया हूं। मैं अभी अयोध्या गया था, वहां पे राम मंदिर गया, रामलला के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बाहर निकल के मन में एक विचार आया कि जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ राम मंदिर के, राम भगवान श्री राम के दर्शन करने का, ये सौभाग्य सबको प्राप्त हो।